कर्नाटक में आज शपथ ग्रहण संभव, थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे येदियुरप्पा। खराब मौसम के कारण द्रास नहीं जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। अब श्रीनगर में ही मनाएंगे कारगिल दिवस। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में वार मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी ने कहा, कमजोर अर्थव्यवस्था पर सरकार की चुप्पी खतरनाक हो सकता है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में तोड़ा विपक्षी एकता का ताना बाना। आरटीआई संशोधन बिल पारित। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी का कसा शिकंजा। कई घंटों तक पूछताछ आज भी बुलाया। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।